Mini Mini Bummen. पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। लगता है कोई फिल्म स्टार आई है। अरे नहीं, ये तो सचमुच ही मुश्किल काम है। इन लड़कियों की फोटो खींचना कोई आसान काम नहीं है। काश मैं किसी और प्रोग्राम की फोटो खींचता। अरे सुनो परमल, तुम एक अच्छा सा पोज बनाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। क्या कहा, मेरी फोटो निकालोगे? ठीक है, ये लो मेरी पोज। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पोज है। एक और, एक और, एक और। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे वाह, कमाल है। अच्छा तो ये परमैन है। उसे परमैन को सब कितना पसंद करते हैं। अरे मुझे भी वहाँ जाकर परमैन को ऑटोग्राफ देना चाहिए। इन दिनों परमैन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। देखना पड़ेगा। तुम भी आना मेरे साथ। मैं उसे देखकर क्या करूँ, उसे तो मैं हमेशा देखता हूँ। अरे हाँ, ये मैंने किया है, ये मैंने किया। ये तो क्या कह रहे हो, छोटी छोटी बातों की वजह से वो परमैन की ड्यूटी को भुला देगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ, उसे समझना चाहिए कि उसके परमैन की ड्यूटी पूरी करना कितना जरूरी है। और जब भी वो वापस आए तो उसे बता देना कि मैं उसे कितनी नाराज हूँ। वैसे उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। शुक्रिया परमैन। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। लगता है सब खत्म हो गए। अरे ये तो पाको है, लगता है कोई जरूरी काम है। मेरे ख्याल से मैं कुछ भूल रहा हूँ। परमैन, परमैन, ऑटोग्राफ दो ना। हाँ हाँ, ले लो ले लो। ज्यादा फेमस होना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। लो मैं घर आ गया। वैसे कल मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल है। पहले तो मुझे टीवी पर लाइव इंटरव्यू के लिए जाना है और उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है। सचमुच मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थकान महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है आजकल तुम अपनी परमैन की ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथी तुमसे कितने नाराज है? नाराज है? तुम किए हुए वादे कैसे भूल सकते हो? क्या तुमने अपने साथियों को वादा नहीं किया था कि तुम डोबो नदी में डूबे लोगों को ढूंढने में मदद करोगे? अच्छा ये बात है। तुम्हें नहीं लगता मुझ जैसे सुपर हीरो परमैन को ये छोटे मोटे काम करना शोभा नहीं देता, इसलिए नहीं किया ये काम? लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुम या तो अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दो, नहीं तो बर्डमैन तुम्हें सीधा कर देंगे। मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। परमैन को सब पसंद करते हैं और मुझे हर समय उसकी वजह से बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आराम कर लेता हूँ। परमैन उठ जाओ। बर्डमैन आप? मैंने सुना है कि तुम अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और काफी लापरवाह हो गए हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। सब लोग मुझे पसंद करते हैं ना, तो मेरा रोबोट और पाको मुझसे जलते हैं, ये बात है। बस करो, बहुत हो गया। देखो ये तो सच है कि आजकल तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे हो और मेरे हिसाब से इसके लिए तुमको सजा मिलनी ही चाहिए। समझ गए ना तुम? तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पर क्यों सजा देंगे मुझे? क्योंकि तुम्हारी गलती है। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये मुझे क्या हो रहा है? यही तुम्हारी सजा है। अब तुम थोड़े समय तक ऐसे ही रहोगे जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अरे परमैन रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए। अरे अब क्या करूं मैं? लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। अरे हाँ, मुझे परमैन बन जाना चाहिए। परमैन तैयार। मुझे क्या हो गया है, मैं एक छोटे से किटी से भी डर रहा हूँ। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ तो 5-3 कितने हुए? अरे हाँ ये ठीक है, लगता है मैं थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया हूँ। हाँ ये क्या, खिड़की खुल गई लेकिन कोई आया नहीं। हमेशा तो परमैन आता है। परमैन ही आया है। अरे डरने को क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं क्या, कभी देखा नहीं? अरे पर तुम हो कौन, बता ना कौन हो? अरे क्या बताओ, दिखता नहीं क्या? मैं परमैन ही हूँ, बर्डमैन की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अच्छा ये बात है। मिचो! अरे काकू यहाँ। अरे ये छोटू मोटू सा क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या था वो बताओ? कुछ नहीं, वो तो बस एक मच्छर था। एक मच्छर आदमी को? मैंने तो अभी परमैन की आवाज सुनी। हेलो गांको, तुम ठीक तो हो ना? परमैन!
हंसो मत दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। पाको, नहीं 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 पाको, ऐसा मत करो। ओ पर मैम, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। देखो बूबी, ये देखो कैसा लग रहा है। बूबी बंद करो ये, और तुम मेरे पास भी मत आना। तुम्हें पता है, तुम तो मेरे सामने कोई बहुत बड़े हैवान लग रहे हो। पर मेरे हिसाब से छोटा होने में फायदा है, वो ये है कि अब थोड़े से खाने में ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। यार तुम चुप हो जाओ, एक तो मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम और परेशान कर रहे हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। गांको, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच मेरी छोटी बहन हो। क्या मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ? हाँ, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम कितनी अच्छी हो, और देखो ये सब हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कैसे दोस्त है। बर्डमैन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम बर्डमैन की बात को नहीं टाल सकते। ये देखो, ये तुम्हारा घर है बर्डमैन, और ये टेबल, और ये तुम्हारा कमरा, बस इसके ऊपर छत डालना बाकी है, फिर तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। देखो जरा इसे, मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। बर्डमैन, तुम्हारे घर को कौन से कलर से पेंट करूं? अब मैं क्या बताऊं, जो रंग तुम्हें पसंद हो उसी से रंग दो। तो ठीक है, जरा रुको, मैं अभी मित्रों के कलर और पेंट ब्रश को लेकर आती हूं। वाह कांको, और इतना अच्छा बर्ताव करे, ये तो मुझे सहन ही नहीं हो रहा। अब क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है। वैसे कहने को तो मैं इतना छोटा हो गया हूं, लेकिन भूख तो उतनी बड़ी है कि ये खुलता ही नहीं। खुल गया। आज पहली बार मेरा इतना सा घर मुझे इतना बड़ा लग रहा है। हाँ, कौन है? लगता है मुझे वहम हुआ है। नहीं, यहाँ कुछ तो जरूर है। अच्छा, तो कॉकरोच है, अभी बताती हूँ। आज तुम मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकते, देख लेना। ये तो हद हो गई, अब मेरी खुद की मम्मी मुझे कॉकरोच समझ गई है। अरे, तुम एक कॉकरोच नहीं हो। और मैं आज तो बाल बाल बन गया। अरे कबाओ, क्या तुम्हारे पापा का नकली दांत मिल गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। साबू, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ऐसा लगा किसी कॉकरोच ने परमैन की चादर पहन ली। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बुरा। अब तो तुम उठ जाओ, जागो मोहन प्यारे, उठो। सचमुच बहुत ही डरावना था, तो क्या वो सब सच था? तब तुम अब क्या करूँ? तुम अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ पैर ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ, वो सपना था। एक बात बताओ, जब हम सब ड्यूटी पर थे, तुम यहाँ पर सो रहे थे, सपने देख रहे थे तुम? वैसे एक बात तो सच है कि मित्सुओ एक नंबर का आलसी होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, जब से मैंने अजीब सा सपना देखा है, तब से भूख बढ़ती गई है। तो अब चलो चलते हैं दोस्तों, खाते हैं। जरा एक मिनट रुको। अब एक मिनट रुकने से क्या होगा, भूख बढ़ेगी ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हेलो बच्चों, ये देखो। अरे नहीं परमैन, प्लीज आप ऐसा मत करो, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी परमैन की ड्यूटी का पूरा ध्यान रखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए परमैन, मैंने कुछ नहीं किया। ये परमैन को क्या हुआ? मिसु ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, मैं तो सिर्फ तुम्हें इस नई चीज के बारे में बताने आया था। क्या है ये, हमें भी बताइए ना। देखो पाको, ये बहुत ही मददगार हथियार है, खासकर हमारे लिए। इसके एक बटन को दबाते ही हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये मित्सु इतनी जोर से क्यों भाग गया? नहीं, 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 मुझे